देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, देखिए चार चार लोग, ये लोग अपने जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास 6 जानवर हैं। तो ये कितने दिन से जल भराव हुआ है? जल आज कम से कम 10 रोज हो चुका है। कुछ नहीं सा कुछ नहीं हुआ, पर भूसा जो लाते हैं और चारा भैंस गोरू का खिलाते हैं और कुछ है ही नहीं है। ये है सलेमपुर गांव जो कि पूरी तरह से पानी से घिर गया है और लोग वहां से किसी तरह पलायन कर रहे हैं। ये अभी भी आने का, इन लोगों के आने का सिलसिला तेज है। देखिए ये लोग किसी तरह से अपने घर गृहस्थी का सामान लेकर के बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये सब नावें लगी हुई हैं और इन लोगों की जिंदगी जो है खतरे से खाली नहीं है। मैं हूँ SP पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों हमारी टीम इस समय अयोध्या जिले के पूरा बाजार स्थित सलेमपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मौजूद है। देखिए जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सलेमपुर गांव जो कि चारों तरफ से सरजू नदी के पानी से घिर चुका है। और देखिए ये लोग किसी तरह से नाव के जरिए देखिए बाहर निकल रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसी तरह ये लोग बाहर निकल रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी जो है खतरों से खाली नहीं है और यहाँ की ये दिनचर्या बन गई है। साल में लगभग 4 बार यहाँ बाढ़ आती है और ये लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए ये लोग चूँकि पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है और ये लोग अपना सामान घरों से लेकर के किसी तरह नाव के जरिए देखिए बाहर निकल रहे हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये लोग, ये देखिए घर का सामान लेकर के और ये ऊपर हर की तरफ जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं इन लोगों की खतरों से भरी जिंदगी है। इन लोगों की आए दिन यहाँ दिनचर्या बन चुकी है। देखिए ये लोग किसी तरह अपने जानवरों के चारे की व्यवस्था करते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाते हैं, पानी से देखिए घास काट करके और उसको नाव के जरिए देखिए ला रहे हैं। ये इन लोगों की रोज की दिनचर्या है। ये लोग रोज खतरों से खेलते हैं। देखिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। सलेमपुर गांव के लोग हैं जो कि देखिए बाढ़ग्रस्त इलाके से किसी तरह से नाव के जरिए जानवरों के लिए चारा और भूसा लेकर के आ रहे हैं। दादा दादा, अरे बोरे में क्या है? परवर की बुवाई आपने किया है? हाँ देखिए ये परवर की खेती हुई थी जो कि पानी में डूब गया था। ये लोग किसी तरह से देखिए परवर भी निकाल करके ला रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, अभी हम इन लोगों से आपकी बात भी कराते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। ये लोग जोखिम भरी जिंदगी एकदम जी रहे हैं। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। देखिए चार चार लोग, ये लोग अपने जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। इनकी रोज की दिनचर्या हो गई है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? बिरजा। कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे पास 6 जानवर हैं। तो इसी तरह रोज आप लोग नाव चलाते हैं? रोज डेली के नियम है, रोज डेली नियम है। तो ये कितने दिन से जल भराव हुआ है? जल आज कम से कम 10 रोज हो चुका है। तो शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 42 नाव लगाई गई है। तो बैल नाव है, 3 नाव है साहेब बहनों के पे। मतलब ये आपकी नाव भी उसी में चल रही है? हाँ इसी में चल रही है। और ये दोनों नाव? यह दोनों नाव चल रही है। तो इसका आप लोगों को मेहनताना मिलता है? नहीं साहब, मेहनताना नहीं मिलता है। आप ये कोयर भूसा जो लाते हैं और चारा भैंस गोरू का खिलाते हैं और कुछ है ही नहीं है। मतलब यहाँ दिनचर्या ये आप लोगों की है? बस हाँ सही है साहब। तो
तो ये पूरा गांव जल भराव, पूरा गांव जल की चपेट में है, पानी की चपेट में है, तो यहाँ तो जीव जंतुओं का काफी भय बना रहता होगा। हाँ सर, सही बात बैठे हैं, एकदम परेशान जनता भी परेशान। तो कभी ऐसी भी स्थिति आई है, कभी आप लोगों को किसी विकट जानवर का सामना करना पड़ा हो? अब सामना यही ऐसा है कि जो आप हैं ना, यही तो बाहर से कोयर लाते हैं। देखिए एक बार फिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए ये है सलेमपुर गांव, जो कि पूरी तरह से पानी से घिर गया है और लोग वहां से किसी तरह पलायन कर रहे हैं। और ये लोग जो है, अब चूंकि इन लोगों का खेत निचले एरिया में है और जो कि पानी से भर गया है, तो जानवरों के लिए वहीं से चारा पानी लाना पड़ता है और घास काटना पड़ता है। तो ये इन लोगों की दिनचर्या है और रोज इसी तरह ये लोग नाव के जरिए जानवरों के लिए चारा लेकर के आते हैं। बस आज यही तक, सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।